धीरे से भगवान के कान में कहा, सुग्रीव मित्र है ना भगवान के, तो धीरे से कान में कहा, महाराज आपने जल्दी में फैसला कर लिया। भगवान बोले, जल्दी में कैसा? तो सुग्रीव ने कहा कि आपको ये भी पता नहीं था कि विभीषण शरण में आए, आज विभीषण शरण में आया और आपने सबके सामने अभिषेक करके संकल्प करके इसको राजा बना दिया लंका का। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दशमात, रावण ने दस सिर देकर के जो लंका की संपत्ति अर्जित की थी भगवान शंकर से, आज भगवान ने सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने संकोच के साथ वो सब संपदा आज सहज में दे दी विभीषण को। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज जल्दी कर दी आपने, आज विभीषण शरण में आया है और कल कहीं आपके प्रभाव को सुनकर रावण शरण में आ गया तो आप रावण के लिए क्या करेंगे? फिर तो युद्ध होगा नहीं, युद्ध नहीं होगा तो ये लंका का राजा कैसे बनेगा? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, सुग्रीव चिंता की बात नहीं है, राम का वचन कभी अन्यथा नहीं होता, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। विभीषण तो आज भी लंका का राजा है और कल रावण शरण में आ जाए उसके बाद भी विभीषण ही लंका का राजा होगा। तो सुग्रीव ने कहा, फिर रावण का क्या होगा? तो भगवान बोले, रावण यदि शरणागत हो जाए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, रावण को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, शरण में आ जाए रावण तो उसके लिए मैं मेरे भैया भरत से एक बार प्रार्थना कर लूंगा, भरत तुम अयोध्या के राजा हो, चलो रावण मेरी शरण में आ गया इसे अयोध्या का राज्य दे दो, पर खाली हाथ मत जाने दो, भले ही रावण तामसिक है लेकिन वो भी मेरी शरण में आ जाए तो कुछ लेकर ही जाए। तो मानस का बड़ा सुंदर दर्शन, श्री हनुमान जी जिसके जीवन में आए, हनुमान जी ने भगवान की कृपा उस जीव के ऊपर कराई, विभीषण के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से हुई। और हनुमान जी की अनेक अनेक कथाओं का श्रवण तो हम लोग कर ही रहे हैं, कल एक दिन और शेष है तो कल भी आप लोग समय से आएंगे तो हनुमान जी की कथाओं का श्रवण हम लोग करेंगे। अच्छा, कल भी हमने कहा था बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार जरूर डालिए, तो आज हमारे मध्य में है एक छोटा सा बालक, आपको नजर आ रहा है, ये शिवांश तिवारी, वो थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है। तो शिवांश तिवारी, इन्होंने आज आकर हमसे कहा कि एक कथा हमें भी सुनाइए, और ये एक सेतु बंधन की जो कथा है वो सुनाना चाहते हैं। तो दो मिनट सब लोग भाव से बैठे रहेंगे, उसके बाद हम लोग विश्राम करेंगे। आओ बोल, भक्त वत्सल भगवान की। बोल हनुमान जी महाराज की। और ये उन सब बच्चों के लिए शिक्षा है जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करो, लेकिन अपने धर्म की भी शिक्षा अवश्य प्राप्त करो। ये दोनों बच्चे जो यहाँ हैं, एक बार खड़े हो जाओ, विठल तिवारी खड़े हो इधर आओ। ये दोनों बच्चों के विषय में हम आपको बता दें, हमारे सतीश जी तो जानते हैं आपको, और ये दोनों बच्चे तिवारी जी के हैं और इनको श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और इनको हनुमान चालीसा पूरा कंठस्थ है, रुद्राष्टक इनको पूरा कंठस्थ है और श्री कृष्णाष्टक पूरा कंठस्थ है और चार अध्याय गीता पूरा कंठस्थ है इन बालकों को। तो एक बार इन बालकों के उत्साह वर्धन के लिए जोरदार तालियां। और ये छोटा सा बालक आपको एक कथा सुनाना चाहता है तो इसकी कथा अवश्य सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजाननम्भूत गड़ाधिसे वितम कपेत जम्बु फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। परम पूज्य देवी जी को प्रणाम करते हुए मैं आपको आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे थे तब उसमें वानर भालू सहयोग कर रहे थे। वह बड़े बड़े पत्थर उठाकर हनुमान जी को देते। हनुमान जी एक पर रा लिखते, एक पर मा लिखते, फिर वो नल नील को वह पत्थर दे देते। और जैसे ही नल नील पत्थर समुद्र में डालते वो पत्थर तैरने लगते और एक दूसरे से जुड़ जाते। ऐसे सेतु निर्माण हो रहा था। एक गिलहरी ने देखा कि राम जी समुद्र पर सेतु बना रहे हैं, उसमें वानर भालू संयोग कर रहे हैं, मुझे भी उनके सेतु में संयोग करना चाहिए। वो गई, उसने समुद्र में डुबकी लगाई, समुद्र किनारे आई, रेत में लोटपोट हुई, फिर समुद्र में डुबकी लगाई, फिर समुद्र किनारे आई, रेत में लोटपोट हुई, फिर समुद्र में डुबकी लगाई। ऐसे उसने बहुत बार किया। राम जी ने देखा एक गिलहरी कर क्या रही है। वह गिलहरी के पास पहुँचे, उन्होंने गिलहरी को हाथ में लिया और उससे पूछा, तुम यह क्या कर रही हो, बार बार समुद्र में डुबकी लगा रही हो, फिर रेत में लोटपोट हो रही हो, इसका मतलब क्या है। गिलहरी ने कहा, भगवान मैं बड़े बड़े पत्थर उठा के तो नहीं दे सकती, तो मैं रेत के छोटे छोटे कण उठाकर समुद्र में डाल रही हूँ, जिससे समुद्र सेतु निर्माण में मैं सहयोग कर रही हूँ। राम जी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, राम जी बहुत खुश हुए। राम जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, गिलहरी के ऊपर उनके उंगलियों के निशान बन गए। आज तक जब भी हम गिलहरी को देखते हैं उसके ऊपर तीन उंगलियों के निशान बने रहते हैं, वो भगवान की कृपा का उदाहरण है। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान के काम में संयोग करना चाहिए, इससे हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रुद्राष्टक और सुनाइए, रुद्राष्टक सुनाइए। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वासंभजेयम् निराकार मुमकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषारा त्रिशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभात्री शरीरम स्फुरन्मोल कल्लोलनी चारु गंगा सद्वाल बालेन्दु कंटे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रह्म सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम नगादीश चरमांबर मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रवर्गं प्रवे अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणिं वलेयं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथादि नयावधुमानात पादारविंदम वदन्ति लोके परे वानराणा न तावत् सुखम शांति संतापनाशम द प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगं जपं नैव भूयं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतव्यं राजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभोपायापं नमामि
शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोसे ये पठन्ति नावक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इन दोनों बच्चों के लिए एक बार फिर आप लोग हृदय से आशीर्वाद भी करिए कि भविष्य में ईश्वर इनको शुभ स्थान दे और शुभ आगे जीवन में मार्ग दे।